हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरिन भाई। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डाबर च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में खाया होगा या हर सर्दियों में हम लोग च्यवनप्राश जरूर खाते हैं। तो आज हम उसी च्यवनप्राश के बारे में जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या गुण हैं और किसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डाबर च्यवनप्राश के बारे में। ये एक केजी च्यवनप्राश 430 रुपये में आता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। डाबर च्यवनप्राश 41 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का चिकित्सकीय रूप से परीक्षण किया गया आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में सहायता करता है, जिससे शरीर में खांसी जैसे रोजमर्रा के संक्रमणों से बचाया जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, धूल और मौसमी परिवर्तन के कारण होने वाली सर्दी से ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम जानते हैं कि इसका नाम च्यवनप्राश कैसे पड़ा। संस्कृत में प्राश शब्द का अर्थ विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन है और च्यवन उस ऋषि का नाम था जिनके लिए आयुर्वेदिक पोषण फॉर्मूला उनकी युवावस्था को बहाल करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। स्वास्थ्य पूरक के रूप में डाबर च्यवनप्राश को सभी आयु वर्ग के लोग, बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग लोग सर्वोच्च स्वास्थ्य लाभ के लिए ले सकते हैं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के एक सिद्ध और समृद्ध स्रोत के रूप में डाबर च्यवनप्राश कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आयुर्वेदिक विज्ञान प्रतिरक्षा के लिए औषधीय गुणों के कारण बिलव की जड़, त्वचा, फल और पत्तियों का अत्यधिक महत्व देता है। डाबर च्यवनप्राश पर नैदानिक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि इसके नियमित सेवन से प्रतिरक्षा शक्ति, सहन शक्ति और ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा मिलता है। ये खांसी जैसे संक्रमणों के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। ये हृदय और श्वसन प्रणाली के स्वास्थ्य कामकाज में सहायता करता है। ये मौसमी बदलाव के दौरान संक्रमण से बचाता है। ये एक मजबूत पाचन तंत्र को समर्थन करता है। ये कोशिकाओं की उम्र बढ़ने में देरी करता है और त्वचा के मुक्त कणों से होने वाली नुकसान से बचाता है। ये स्वस्थ रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा देता है। ये प्रजनन ऊतकों के पोषण देता है और पुनर्जीवित करता है। ये ओजस का समुचित विकास करके यौवन और पोषण को बढ़ाता है। ये खून को शुद्ध करता है। ये श्वसन मार्ग को साफ करता है और रक्तचाप को सामान्य करता है। ये एक अवरोध बनाकर शरीर को हानिकारक बाहरी एजेंट से बचाता है जो रोग के लक्षणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ये शरीर को पूरी तरह से पोषण देता है। ये शरीर को समग्र शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो वयस्क से लेकर 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे एक चम्मच दिन में दो बार ले सकते हैं और 3 से 12 वर्ष के बच्चे आधा चम्मच दिन में दो बार ले सकते हैं। इसका सेवन गुनगुने दूध के साथ सबसे अच्छा माना जाता है या आप इसको गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। च्यवनप्राश में आंवला एक मुख्य घटक है जो विटामिन की दुनिया का सबसे समृद्ध स्रोत है। खाली पेट च्यवनप्राश खाने से शरीर पोषक तत्वों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है और उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। इससे पोषक तत्वों का खजाना शरीर में समावेश होता है और उसकी शक्ति शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। खाली पेट च्यवनप्राश खाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपको यहाँ बता दें, आप गर्मियों में भी च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसमें आंवला होता है जिसमें ठंडा गुण होता है। मधुमेह रोगियों को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। च्यवनप्राश अपने आप में बहुत गर्म और पचाने में मुश्किल होता है। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेड इन भारत प्रोडक्ट है और ये डाबर इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।